इसराइल के मामले में आपने फेक स्टोरीज क्यों की? जो लोग ये इल्जामात लगा रहे थे उनकी कोई वर्थ ही नहीं है। आपने कहा कि इसराइल के 5 शहर तबाह कर दिए, कौन से 5 शहर तबाह कर दिए, आप नाम तो बताएं। इस खबर को तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने छापा, बूढ़े लिफाफों को कुछ और मिला नहीं है तो उनने इसके ऊपर जो है वो तनकीद की। बूढ़े लिफाफे कौन है? लेकिन आप व्यूज लेने के लिए ऐसी थंबनेल क्यों लिखते हैं कि जिनका हकीकत से ताल्लुक ही नहीं होता? थंबनेल यूट्यूब पे थोड़े से ऐसे आपको बनाने पड़ते हैं कि लोग अट्रैक्ट हों। सुने यूट्यूब से आप महीने के 10 लाख रुपए कमा लेते हैं। अच्छा ये बात FBI को मत बता दीजिएगा। अच्छा आप भी वैसे यूट्यूब करती हैं, आप कितने पैसे कमा लेती हैं? जब आपने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं? अच्छी एंकर बनोगी। आजकल यंग यूट्यूबर्स सीनियर सहाफियों के पीछे क्यों पड़ चुके हैं? असल में इन्होंने हमें स्नब करना शुरू किया है। अच्छा ये क्या वजह है कि आप लोगों के जो व्यूज हैं वो लाखों में आ रहे हैं और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके 10-20 हज़ार से ज्यादा नहीं आते? अच्छा वैसे 10-20 हज़ार का लफ्ज भी आपने ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिप्ता। आज मेरे साथ मौजूद है एक यंग यूट्यूबर नजमुल हसन बाजवा, जिनका नाम पिछले दिनों बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज में आता रहा। इन पर तंकीद हुई कि ये इसराइल के मामले में फेक स्टोरीज कर रहे हैं, तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। थैंक यू बाजवा अंकल, आज आपने मुझे वक्त दिया। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने बुलाया और बड़ा अच्छा खाना खिलाया। आप लोगों को अपने कटहरे में लेकर आते हैं, तो क्या आप मेरे कटहरे में आने के लिए तैयार हैं? कटहरे में आना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। खैर बहरहाल ये सख्त फैसला, लेकिन मैं तैयार हूँ। अच्छा तो फिर ये बताएं कि इसराइल के मामले में आपने फेक स्टोरीज क्यों की, लोग आपके खिलाफ हो गए? अच्छा ये वो इल्ज़ाम है जिसे पिछले दिनों में मैंने इस पर बड़ा जवाब दिया, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे जवाब नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे उनकी कोई वर्थ ही नहीं है, और मुझे अफसोस होता है कि उसमें कुछ बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। अगर आपने वही घिसी पिटी अपनी वो स्टोरीज देखनी है कि वो मार गए, ठोक गए, वो ये कर गए, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसराइल वॉर को किसी ने कवर ही नहीं किया। अगर आप कवर करते, उसकी स्टोरीज देखते, इंटरनेशनल मीडिया क्या छाप रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, जो जो ये कह रहे थे कि ये गलत बता रहे हैं, वो जब से ये हमास ने जीत का ऐलान किया है और इसराइल के वज़ीर आज़म की का लोगों ने घेराव किया है, उसके बाद से चुप क्यों है? अगर तो आप मतलब सच्चे हैं तो अभी भी आके कहें नहीं, मतलब क्या इसराइल जो हमास है वो रॉकेट्स की जगह दुआएं मार रहा था या दुआओं से जीत गए हैं? वो कुछ ना कुछ किया है तो ही जीते हैं ना। तो यही मैं रिपोर्ट कर रहा था, मैं ये रिपोर्ट कर रहा था कि हमास की रिटेलिएशन इस दफ़ा जो है वो सबसे अच्छी है, ये अनप्रेसिडेंट है, इससे पहले हुई नहीं, मिसाल ही नहीं है। अच्छा लेकिन आपने कहा कि इसराइल के 5 शहर तबाह कर दिए, कौन से 5 शहर तबाह कर दिए, आप नाम तो बताएं। अच्छा मैंने जो वो मेरे थंबनेल्स थे उसके ऊपर खैर बड़ी तनकीद हुई, मैंने एक पूरी वीडियो की थी जिसमें मैंने जस्टिफाई किया था। मैंने कहा था, मैंने जो नाम लिया था वो लिया था उड़ा दिए। अब उन शहरों में वो जो 5 शहर थे जिसके बारे में मैंने कहा था, वो सेंट्रल इसराइलियन सिटीज थे जिस तक आज तक कोई भी रॉकेट नहीं पहुंचा था, और इस खबर को तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने छापा और इसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने और वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरी स्टोरी की कि पहली दफा रॉकेट्स तेल अवीव में जा रहे हैं, पहली दफा रॉकेट्स उन सिटीज में जा रहे हैं जिन सिटीज में आज तक ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमास का रॉकेट जाएगा, और हमास जो है वो अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने ये रिपोर्ट किया था, उसमें अब लोगों ने चस्का लेने के लिए, वो मैन के लिए अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, बूढ़े लिफाफे, तो बूढ़े लिफाफों को कुछ और मिला नहीं है तो उनने इसके ऊपर जो है वो तनकीद की। बूढ़े लिफाफे कौन है? अच्छा बूढ़े लिफाफों के मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं इनकी कुछ खसलतें आपको बता देता हूँ। ये वो तमाम सहाफ़ी हैं जैसे वो पड़ी पड़ी चीज़ों को जंग नहीं लग जाता, इसी तरह से ये नाम नेहाद सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्हें पड़े पड़े जंग लग चुका है। अब ये थ्रेटन हैं, इन्हें खतरा है, जैसे बूढ़े शेर को खतरा होता है ना नए आने वाले। वैसे तो मैंने गलत जो है वो जानवर का इनके लिए नाम इस्तेमाल कर दिया, ये कुछ और है। बहरहाल ये थ्रेटन हैं इस वक्त, जो डरे डरे, जो बहके बहके, जो नौजवान सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाते, उनसे उन्हें जो है वो एजेंसियों का एजेंट कहते नजर आएंगे, ये जान नहीं है, सारे के सारे जो है ये बूढ़े लिफाफे हैं। ये बूढ़े लिफाफे की खसलत है कि वो उन्हें जब अपनी पोजीशन थ्रेटन्ड होती नजर आती है तो वो इसी तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन आप व्यूज लेने के लिए ऐसी थंबनेल्स क्यों लिखते हैं कि जिनका हकीकत से ताल्लुक ही नहीं होता? अच्छा बेटा मैंने जो है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स ये करते हैं, ये तल्ख हकीकत है, ये सच बात है सोशल मीडिया को लेके कि यहाँ पर लोग जो कम एतबार करते हैं, उसकी वजह भी ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये किया है कि वो ऐसे अल्फाज लिख दिए, ऐसी चीज़ें लिख दी वाकई जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन आज तक
और शायद मुझे लगता है बहुत कम लोग ऐसे हैं, और लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं, और मैंने भी हमेशा कोशिश की कि जो चीज़ हकीकत है उसी को बयान किया जाए। हाँ, थंबनेल यूट्यूब पे थोड़े से ऐसे आपको बनाने पड़ते हैं कि लोग अट्रैक्ट हों, लोग देखना चाहें। अब सीधी सीधी बात लिख दें तो कोई भी नहीं जो है वो उसे लिखेगा, और ये बड़े बड़े साफियों के आप जाके यूट्यूब देख लें, ये भी वैसे ही लिखते हैं। हम गलत नहीं लिखते, हम झूठ नहीं लिखते हैं, हाँ, लेकिन उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं और अट्रैक्ट करके व्यूअर को लेके आते हैं। और मैंने आज तक, मेरा नहीं ख्याल, कोई एक ऐसी स्टोरी की है जिसे आज कोई उठ के कह सकता है भाई ये आपने फेक स्टोरी की है, ये गलत स्टोरी की है, इस पे जो है ना वो आपको जो है वो गिरबान पकड़ा जाएगा। मेरा नहीं ख्याल, अगर कोई साबित कर देगा तो यकीनी तौर पर फिर मैं एक सज़ा का मुस्तहिक हूँ। अच्छा, आपने YouTube के लिए एक्सप्रेस छोड़ दिया, तो क्या पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इदारा इम्पोर्टेंट नहीं होता? अच्छा, ये आपने ना वो सवाल किया है जो मैं बड़ी देर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे। देखें, पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन पैसा वो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप इदारे को छोड़ दो। मेरा ख्याल है कि अब जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनमें से जो ज़्यादा बड़े मगरमच्छ हैं, जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, इनके सेठ कमर्शियल हो चुके हैं। ये कमर्शियल सेठ सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन लोगों को भर्ती करते हैं जो लोगों दूसरे नीचे वाले अमले को एक्सप्लॉयट कर सकें, जो नीचे वाले अमले को दबा सकें, जो मनपसंद का काम ले सकें, उनकी तनख्वाहें रोकें और उनको डबल शिफ्टें करवाएं, और फिर कुछ ऐसे लोग, अब आई डोंट नो, इन कमर्शियल सेठों ने शायद अपने जो है वो मफादात पूरे करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को जो है वो बड़ी सीटों में बिठा दिया है जो उसके जो कम्पिटेंट ही नहीं है, जिनके अंदर सलाहियतें ही मौजूद नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो मेरे जैसे नौजवानों की सलाहियतों को मार देते हैं, वो मेरे जैसे नौजवानों को सिर्फ पसंद नापसंद की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वो मेरे जैसे नौजवानों का मुस्तकबिल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, वो हमें हमारी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश करते हैं। तो इस मोमेंट में मैंने सोचा, क्या मुझे प्रॉम्प्टर एंकर बनना है, क्या मुझे, मैं ये कमर्शियल सेठ के चक्रों में आके अपने मुस्तकबिल को जो है वो भूल जाऊँ, क्या मैं ये जो एक जो है वो फिरौन नमा शख्स एक बड़ी सीट पर बैठा जो मुझे एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि सेठ के नीचे है, क्या मैं इस एक्सप्लॉयटेशन में आके भूल जाऊँ कि मुझे आगे बढ़ना, और मैं जी जी करता रहूँ और हमेशा जो है वो इनके आगे घूमता रहूँ, इनके आगे के पीछे घूम के इनके जो है वो खुश आमदेद करता रहूँ। तो आई डिसाइडेड नो। एक्सप्रेस में किसने आपकी सलाहियतों को मारने की कोशिश की? अच्छा, एक्सप्रेस की पर्टिकुलर बात तो नहीं है, मैंने जो मिसाल दी है ये पूरे हमारे मीडिया इंडस्ट्री की मिसाल बन चुकी है। कुछ चैनल्स अच्छे हैं, जैसे कि मैं अभी एक चैनल पर काम कर रहा हूँ, अभी तक मैं उसकी इंतजामिया मेरे साथ बहुत अच्छी है। एक्सप्रेस वे भी बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह कुछ फैसला कुन सीटों के ऊपर वो लोग जो फैसला करते हैं वो उन्हें, चूंकि शायद उनका भी मैं समझता हूँ इसलिए कसूर नहीं है कि वो शायद डर गए हैं, वो समझते हैं कि मेरी नौकरी इंपॉर्टेंट है या उसकी नौकरी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जब बिल्ली के पाँव जलने लगे थे तो उसने अपने बच्चों को पाँव के नीचे रख लिया था, शायद वो ये समझते हैं कि ठीक है नौकरी मेरी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चों ने भी स्कूल जाना है, मैं अगर 6 साल और जो है वो नौकरी ना मिली, जैसे मुझे पहली नौकरी गायब हो गई थी, अब दोबारा गायब हो गई तो मैं क्या करूँगा। इसलिए कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, अच्छे लोग भी हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ बहुत बुरे लोग हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये हर इदारे में इस तरह के लोग मौजूद होते हैं। सुने YouTube से आप महीने के 10 लाख रुपए कमा लेते हैं? अच्छा, ये बात FBR को मत बता दीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं YouTube से कंपैरेटिवली अच्छे पैसे बना लेता हूँ, जितना मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैसे बनाता था या जितनी मेरी वहाँ पे थी उससे कंपैरेटिवली बेहतर बना लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, इसमें काम करते हैं, लोगों को पसंद आता है, लोग सपोर्ट करते हैं, तो उससे बेहतर पैसे बन जाते हैं। अच्छा, आप भी वैसे YouTube करती हैं, मुझे ये बताएं, ज़िमनन सवाल है, आप कितने पैसे कमा लेती हैं? जब आपने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं? अच्छी एंकर बनोगी। अच्छा, तो ये बताएं कि आजकल यंग यूट्यूबर्स सीनियर सहाफियों के पीछे क्यों पड़ चुके हैं? जैसे कि कौन? सदीक जान, आप, मखदूम शहाबुद्दीन। अच्छा, ये अच्छा, मैंने ना प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि कुछ लोग हैं जैसे फल जो हैं वो पड़े हुए गले सड़े हो जाते हैं ना, इसी तरह से हमारे मुल्क में कुछ सहाफियाँ हैं जो पड़े पड़े गले सड़े हो गए हैं। ये पड़े पड़े गले सड़े साफियों ने हमारे निज़ाम को बहुत गंदा किया है। अच्छा, इनके साथ मसले, हम इनके पीछे नहीं पड़े हैं, असल में इन्होंने हमें स्नब करना शुरू किया है।
अच्छा ये आजादी इजहार राय के ऊपर इतनी बात करते हैं, ये मतलब ये कहते हैं कि भाई आप फौज तक के इदारे के ऊपर सवाल उठा सकते हैं बगैर किसी सबूतों के, किसी एजेंसी पर नाम लगा सकते हैं बगैर किसी सबूत के, उसको बदनाम कर सकते हैं, लेकिन जब इनको एक्सपोज किया जाता है या इनसे सवाल किया जाता है तो इन्हें जो है वो रौला पड़ जाता है। ये कहते हैं आजादी सहाफत पर हमला हो गया, ये कहते हैं आजादी इजहार राय पर हमला हो गया। तो सवाल पूछना तो जुर्म नहीं है, अगर सवाल पूछना जुर्म है और हमने गुस्ताखी की है इनकी शान में तो ये गुस्ताखी बार बार होगी, रोज होगी, ये सवाल रोज पूछे जाएंगे। अगर ये लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हमारी एजेंसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हमारे पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और अगर इनके ताने बाने कहीं से मिलते हैं तो फिर हम ये बात रोज करेंगे, रोज रोज करेंगे, जब तक ये चिढ़ते रहेंगे रोज करते रहेंगे। और जो यूट्यूबर्स को जो है वो बुरा भला कहते थे ना, रोज कहते थे जो है वो यूट्यूब करते हैं, ये करते हैं हम साफियों को, और अल्लाह माफ करे, वैसे कितना बुरा वक्त आता है, मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि अब वो खुद यूट्यूब बनाएंगे और कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा ये क्या वजह है कि आप लोगों के जो व्यूज़ हैं वो लाखों में आ रहे हैं और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके 10-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं आते? अच्छा वैसे 10-20 हज़ार का लफ्ज़ भी आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया है, मेरे ख्याल से समटाइम तो इससे भी कम आते हैं। वजह ये है आवाम अक चुके हैं, अवाम नहीं देखना चाहते इन चेहरों को। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने बहुत कम देखा कि लोग जो हैं वो टीवी पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हो कि रात 8 बजे फलां का प्रोग्राम आएगा। अब लोग जो है उनके एक्सेस में है फ़ोन और वो जो वॉच डॉग है वो बीच में से निकल गया, ये जो प्रोपोगेशन किया करते थे वो बीच में से सारी कहानी निकल गई। अब लोगों के पास एक्सेस है, वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, तो वो इसलिए वो ये देखते हैं कि कौन सही बात कर रहा है और वो उसकी खबर सुन लेते हैं। अब ये वो लोग हैं जिन्हें पिछले 20 साल से जिन्होंने झूठा सच्चा मंजन बेच बेच के इनका सौदा जो है वो अब पुराना हो चुका है, लोग वो नहीं सुनना चाहते हैं, लोग इनके चेहरों को नहीं देखना चाहते हैं। पिछले दिनों एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके ट्विटर के ऊपर हम देख रहे थे 2 मिलियन फॉलोअर्स थे और रीट्वीट्स हो रही थी 6, और इसके मुकाबले में हमारे जो यंग जर्नलिस्ट हैं किसी एक का ट्विटर अकाउंट खोल के देखेंगे तो आपको ये वाजे पता चल जाएगा कि लोग किसको पसंद करते हैं, किसको देखना चाहते हैं। अब इसमें हमारा कसूर नहीं है, आगे बढ़ना कसूर है तो फिर हम तो हैं मुजरिम। अब इन्होंने अपने स्टैंडर्ड को आगे नहीं बढ़ाया ना, ये वहीं के वहीं गले सड़े पड़े रहे, इनकी सलाहियतों को जंग लग गया या इनके दिमाग को जो है वो फफूंदी खा गई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। और वैसे मारोश बेटा मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने ये पड़े पड़े गले सड़े सीनियर साहब भी हैं ना, इनसे कई ज्यादा व्यूज आपके आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपके लिए भी ढेरों तमन्नाएं।